कल एक बार फिर से साइप्रस में मनीषा कल्याण ने हिस्ट्री बना दी है इंडिया के लिए। एंड कौन सा एक नया क्लब आना चाहता है आई लीग में, एंट्री पाना चाहता है आई लीग में। एंड आज AFC कप में कौन अपना ग्रुप स्टेज में एंट्री पाएगा, क्या वो गोकुलम केरला होगी या फिर वो उड़ीसा FC होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट स्टार्ट। कल मनीषा कल्याण ने साइप्रस वुमेन्स कप जीत के डोमेस्टिक डबल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन बन चुकी है। लीग टाइटल पहले जीत चुकी थी मनीषा कल्याण साइप्रस में, लीग जो होती है ऑफ कोर्स। एंड कल उन्होंने डोमेस्टिक एक और कप जीत लिया, जिसके आप रिलेट कर सकते हो तो कैरेबाओ कप होता है जैसे इंग्लिश फेडरेशन में, वैसे ही होता है साइप्रस वुमेन्स कप। तो एक बार फिर से मनीषा कल्याण ने हिस्ट्री बना दी इंडिया के लिए। 2-1 विक्ट्री थी अपोलन लेडीज वर्सेस अमोनिया निकोसिया की। एंड अमोनिया निकोसिया काफ़ी एक अच्छा क्लब है साइप्रस का, जिनके लड़के भी यूरोप में एंड चैम्पियंस लीग में खेलते रहते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंट है हमारी इंडियन फुटबॉल के लिए कि हमारी एक वुमेन यूरोपियन क्लब में जाके डोमेस्टिक डबल जीत रही है, तो डेवलपमेंट, फिर मैं वही बात कहूंगा। बट अगर मैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे आऊँ तो वो है आज AFC कप के लिए, कि कौन अपनी एंट्री पाएगा ग्रुप स्टेज में AFC कप के लिए, जो कॉन्टिनेंटल स्टेज है हमारी। हम सबको पता है एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है व्हेन इट कम्स टू क्लब, ठीक है। उसके बाद AFC चैंपियंस लीग भी होता है, बट उससे कम नहीं है यार, ये भी AFC का ही है। तो इट इज़ अ वेरी बिग टूर्नामेंट। एंड उसमें आज क्लैश होगा गोकुलम केरला वर्सेस उड़ीसा FC। एंड अगर इस मैच का हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि जितने भी फैंस से अगर आप पूछो एंड फैंस का ओपिनियन इस मैच पे पूछो तो दे आर सेइंग कि वन साइडेड मैच होगा ये। उड़ीसा FC बहुत अच्छे से कन्विंसिंग विक्ट्री ले लेगी अगेंस्ट गोकुलम केरला। एंड मैं भी उन्हीं फैंस से सहमत हूँ, क्योंकि गोकुलम केरला के अगर हम लास्ट के कुछ रिजल्ट्स देखें, 4-5 मैचेस के जो सुपर कप में भी उन्होंने खेले, दे वर नॉट वेरी कन्विंसिंग, एक भी मैच उन्होंने जीता नहीं है। बट वहीं पे अगर हम उड़ीसा FC का फॉर्म देखें तो दे आर अनस्टॉपेबल, गोल स्कोरिंग मशीन है एक तरीके से उड़ीसा FC का जो फ्रंट थ्री है। एंड कहीं ना कहीं क्लिफर्ड मिरांडा के पास एक और टाइटल, सॉरी एक और हिस्ट्री मोमेंट बनाने का अपने पास एक मौका होगा उनके पास, जो उन्होंने सुपर कप का टाइटल जीता है उसी के ऊपर एक AFC कप में भी अगर वो पहुंच जाते हैं उड़ीसा FC को लेके, तो कहीं ना कहीं ये बैंग ऑन सीजन रहेगा उड़ीसा FC के लिए। बट कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक लेग का जो टाई होता है, एक लेग का जो फिक्सचर होता है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑन द नाइट आपको बढ़िया खेलना पड़ता है। बट फिर से गोकुलम केरला ने यार कन्विंस नहीं करा बिल्कुल भी अपने फैंस को, एंड जो अपोजिशन फैंस हैं उनको भी इतना डर नहीं है इस वक्त गोकुलम केरला से। बट यस, 90 मिनट्स है सिर्फ, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है, इट्स द गेम ऑफ फुटबॉल। बट यस, ऑन द पेपर उड़ीसा FC आर मच मच फेवरेट टू सिक्योर देयर प्लेस इन AFC कप। बट लेट सी, 7 बजे है शाम को मैच, ड्यू वॉच इन एंड फैन कोड पे भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी अलॉन्ग विद सोनी लिव, तो देखना मत भूलना बिल्कुल भी। एंड अब एक और न्यूज़ हमारे को कल मिली, जो कि है कि आई लीग में एक नए क्लब ने बिड डाली है। एंड वो क्लब कहाँ से है, ऑफ कोर्स एक क्लब फ्रॉम पंजाब। अब देखने वाली बात ये है कि वो क्लब पंजाब में है तो वो कौन सा क्लब है, बट वो आना चाहते हैं आई लीग में। एंड जो नाम निकल के आ रहा है सामने पंजाब के क्लब का, वो मिनेरवा पंजाब ही लग रही है, क्योंकि 18-19 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने अपना लास्ट आई लीग सीज़न खेला था, उसके बाद से वो खेले नहीं हैं। एंड ऑफ कोर्स राउंड ग्लास पंजाब अब रिप्रेजेंट करेगी ISL में पंजाब को, तो कहीं ना कहीं आई लीग में भी एक प्रेजेंस चाहिए पंजाब के क्लब की। ऑल दो यस, एटमोसफियर काफ़ी ठंडा रहता है पंजाब में अगर मैं बात करूँ फुटबॉल फैंस की, बट कहीं ना कहीं जो टॉप क्लब हैं दोनों पंजाब के, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं इंडियन फुटबॉल को। एंड आई थिंक के वो जो अननोन क्लब है जिसने बिड डाली आई लीग के लिए, वो मिनेरवा पंजाब ही है। बट यस, बिड सिस्टम भी होता है क्या आई लीग में, अगर होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस पर और एक वीडियो बनाऊंगा मैं जैसे ही क्लब कन्फर्म होगा, तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन।